नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्ने यानी कि पिसी एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मीन लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, सूर्य और शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। गुरु बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके दसवें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर से और सूर्य जो विराजमान है वो विराजमान है आपके लग्न पे 14 मार्च से, जो कि 12 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, और शुक्र 31 मार्च को विराजमान हुए थे और 23 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। मंगल 23 अप्रैल से विराजमान रहेंगे और बुध 9 अप्रैल से विराजमान रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके राहु विराजमान है तो आपके स्वभाव में 30 अक्टूबर से जिद बढ़ेगा और आपके लग्न पे जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, सूर्य आपके लग्न पे जब 14 मार्च को विराजमान हुए हैं तो 14 मार्च से 12 अप्रैल तक आप अपनी तबीयत को लेकर के चिंता करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके खुद के विचार को ही आप शत्रु बनाने लग जाएंगे, यानी कि आपको नेगेटिव थॉट आएगा 14 मार्च से 12 अप्रैल तक। पर यहाँ पे देखिए, जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम कर रहे हैं, वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे इस समय। और यहाँ पे देखिए, आपके जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और आपके आठवें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से 23 अप्रैल तक, तो यहाँ पे आप पराक्रमी रहेंगे। और आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आने वाला है। देखिए, ऑलरेडी आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है और आठवें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है, तो यहाँ पे आप थोड़ा नेगेटिव माइंडेड रहने वाले हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करें जिससे कि नेगेटिव थॉट्स से आप दूर रह पाए। और यहाँ पे देखिए, जो मंगल विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से, तो आप में पराक्रम तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाला है और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 23 अप्रैल से। और जो मंगल विराजमान है वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, और आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से। तो मंगल आपके लग्न पे 23 अप्रैल से विराजमान होंगे तो आप में मेहनत करने की क्षमता बढ़ने वाली है, यानी कि आप मेहनती रहेंगे 23 अप्रैल से। पैसों के मामले में थोड़ा बहुत आप कंजूस होने वाले हैं 23 अप्रैल से और आप दूसरों की मदद भी करेंगे 23 अप्रैल से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं, बुध आपके चौथे भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और आपके सातवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे 9 अप्रैल से वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बुध जो वक्री रहेंगे वो 9 अप्रैल से 10 मई तक आपके लग्न पे वक्री रहने वाले हैं। देखिए, 9 अप्रैल से आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छे मिलने वाला है, आपके भागीदार का सुख अच्छा मिलने वाला है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस और भागीदार के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ होगा 15 मार्च से, और 9 अप्रैल से आपका आपके भागीदार हो गए या फिर आपके स्पाउस हो गए उन पर आपका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। आप अपने स्पाउस और भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे और आपकी कमियों को पूर्ण भी करेंगी आपके स्पाउस या आपके भागीदार 9 अप्रैल से। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपका फोकस आपके परिवार पर रह रहा होगा, आपके सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन कर रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध विराजमान है, हालांकि बुध देखिए यहाँ पे अप्रैल के महीना में 8 अप्रैल तक ही विराजमान रहेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और शुक्र 24 अप्रैल को गोचर करेंगे और यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हो गए 22 अप्रैल 2023 से, तो आपके परिवार में मतभेद बढ़ा होगा और 17 जनवरी 2023 से आपके परिवार में मनमुटाव भी हो रहा होगा।
देखिए जो बुद्ध विराजमान हो रहे हैं ना, वो आपके चौथे और आपके सातवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर या फिर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। और यहाँ पे आपके स्पाउस द्वारा आपको सेविंग्स में भी मदद मिलने वाला है 25 मार्च से 8 अप्रैल तक। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, तो 17 जनवरी 2023 से आपको सेविंग्स करने में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा, सेविंग्स करने में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही होंगी और पैसा सेव भी नहीं हो पा रहा होगा, कहीं ना कहीं जो आपका सेविंग्स है खर्च भी आपका हो जा रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे देखिए जब आपकी स्पाउस थोड़ा बहुत आपका मदद करने वाली है 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आपका सेविंग्स करने में, और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 13 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 13 अप्रैल से ना आपका पारिवारिक झगड़ा बढ़ने वाला है, वो भी पैसों को लेकर के पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल करके रहना है, कोशिश कीजिए विवाद से आप बचें। आपके परिवार वाले ही आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल से, वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, और आपके आठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी होगी। और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी आपके दूसरे भाव में हैं, जो कि विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल से, तो यहाँ पे धन हानि के योग बन रहे हैं। देखिए ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भाव के स्वामी भी 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे पैसा सेविंग्स करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका बढ़ेगा जिससे कि आपका सेविंग्स खर्च हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ सकती है 24 अप्रैल से। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। और यहाँ पे आपके परिवार को लेकर के आपका खर्च भी बढ़ेगा 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मेहनत करने की क्षमता बढ़ने वाली है 23 अप्रैल से। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से 22 अप्रैल तक पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मंगल भी विराजमान है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र विराजमान होंगे तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में लाएंगे, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आने वाला है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा और उनसे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके चौथे भाव में देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पर मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 23 अप्रैल से पड़ेगी, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके घर वाहन सुख माता का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो माता के स्वभाव में एग्रेशन बढ़ेगा, माता के साथ विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग भी ट्रांसपोर्ट रियल इस्टेट घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी जब लग्न पे आपके विराजमान हो जाएंगे 9 अप्रैल से वक्री होके, तो 9 अप्रैल से 10 मई तक आप अपने आप में सुखी रहने वाले हैं, यानी कि आपको जो भी आपके पास है आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, सुखी रहेंगे 9 अप्रैल से 10 मई तक। हिम्मत आपका बढ़ने वाला है जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे।
पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। और आपका पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए पांचवा भाव जो है आपका वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ते पढ़ते काम करने का प्रयास कर रहे हैं और नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख फेवरेबल समय है। इस समय अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो उनका काम निश्चित तौर पर मिलेगा। और जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को अपने राशि में ही विराजमान होंगे, यानी कि आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। 16 और 17 तारीख को जो स्टूडेंट्स होते हैं वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखेंगे। और जो लोग पढ़ाई संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर आपका ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनको 16 और 17 तारीख को लाभ होगा। आपका आपके बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, 16 और 17 तारीख को आपके बच्चे भी ज्यादा आपको प्रेम करेंगे। देखिए जनरली ऐसा देखा गया है कि आपके प्रेम संबंध हो गए, आपके बच्चे हो गए, वे थोड़ा मूडी होते हैं, यानी कि चंचल स्वभाव के होते हैं। और आपके छठवें भाव में देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक विराजमान है। देखिए छठवें भाव पे आपके गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए जो गुरु हैं, गुरु शनि की दृष्टि में है, तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पे इस चीज के लिए आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे आपके शत्रु को कंट्रोल किए हुए हैं शनिदेव। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 15 मार्च से 22 अप्रैल तक, तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपके शत्रु हो गए, मामा मौसी हो गए, उनसे विवाद के योग बने हुए हैं। जो आपके मामा मौसी हो गए उनके साथ भी रिलेशंस आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव भले हो रहा है पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपकी चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं अभी फिलहाल आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक विराजमान है, तो यहाँ पे आप अपने तबीयत को लेकर के चिंतन करेंगे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट आने वाला है 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक, पर जो लोग भी मेडिसिन या डॉक्टर हैं या फिर कोई भी आपका वैदिक क्षेत्र से संबंधित काम कर रहे हैं ना, तो उनका पॉजिटिव माइंडेड वे रहने वाले हैं 14 मार्च से 12 अप्रैल तक। सातवें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ने लगी है 15 मार्च से, और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो केतु आपके सातवें भाव में 30 अक्टूबर से विराजमान हुए हैं, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनको समझना थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करेंगे। और मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस और भागीदार को क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा 15 मार्च से। तो 15 मार्च से देखिए यहाँ पे विवाद के योग आपके स्पाउस और या फिर आपके भागीदार से बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके सातवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक, तो आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेगी। हो सकता है भागीदारी में आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि आपको कुछ फायदा हो, जिसके द्वारा आप सेविंग कर पाए। और आपके सातवें भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे 9 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है। आठवें भाव में आपके देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 22 अप्रैल 2023 से, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा है। ससुराल वालों के साथ आपके संबंध भी अच्छे रह रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से, तो थोड़ा चोट पाट आपको लग सकता है। आपके ससुराल वालों के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई बात को लेके कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए, कोई इतना बड़ा बात नहीं रहेगा, पर यहाँ पे विवाद होने की संभावना है, तो विवाद से बचना है, क्योंकि उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, तो अनवांटेड कोई भी आपका डिस्कशन अगर हो रहा है तो उससे बचें। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं,
31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए आपके स्वभाव को लेकर के आप में नेगेटिविटी बढ़ने वाला है 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 24 अप्रैल से आपके परिवार के सदस्य जो होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। तो परिवार के सदस्यों की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके धन हानि के योग बन रहे हैं 24 अप्रैल से। यहाँ पे हो सकता है आपका कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो जिसके आपका सेविंग्स आपका कुछ खर्च हो जाए। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके बारहवें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से आपका लक फैक्टर, जिसको कि आप नसीब बोलते हैं, आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा होगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपका मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके बारहवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो यहाँ पे जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा समय है। आपका धर्म पे आपका खर्च बढ़ेगा। काम में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 23 अप्रैल से। देखिए मंगल जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे ना 23 अप्रैल से, तो यहाँ पे आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बढ़ेगा, आप भाग्यशाली रहेंगे और आप धार्मिक भी रहने वाले हैं 23 अप्रैल से। दशम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे दशम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके काम के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा समय चल रहा है, आपका काम में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से देखिए यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, काम से आपका सेविंग्स करने का आप प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखिए आपको सेविंग्स करने में मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, पर यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका प्रयास नियंत्रण चालू है सेविंग्स करने में। पिता से प्रॉपर्टी मिलने के योग आपके बन रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। और जो लोग यहाँ पे देखिए फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उनका काम तो ठीक ठाक चल रहा होगा, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। और जो चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं या फिर या कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। उनका काम में उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को, और 16, 17 तारीख को उनको अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई, बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपके आमदनी में आपको अड़चनों का कुछ सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। जो आप कमा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी देखिए आपका सेविंग्स होने में मुश्किल जा रहा है और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आप जो भी कमा रहे हैं वो आपका पैसा खर्च हो जा रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। बड़े भाई बहन दोस्तों पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। पर जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर कोई भी आपका फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके काम में उनका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, पर आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। 12वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और मंगल भी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके शनि 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विपरीत राजयोग का शनि द्वारा आपके पत्रिका में निर्माण हुआ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग का आपके निर्माण हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए आप पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 से।
अगर आप किसी काम में खर्च करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उस काम पे जो आप खर्च किए हैं उससे आपको फल मिलने वाला है। और आपके आरोग्य यानी कि मेडिसिन हो गया बीमारियों पे आपका खर्च कुछ बढ़ा होगा 17 जनवरी 2023 से। यहाँ पे देखिए आपके पाँव के तलवे में दर्द की समस्या भी कुछ बड़ी होगी 17 जनवरी 2023 से। और जो मंगल विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। परिवार के खर्चे आपके कुछ ना कुछ बढ़े हुए होंगे 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे शनि द्वारा भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं और मंगल द्वारा भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर आपका कोई विवाद विवाद किसी से हो जाए तो विवाद से बचे, वरना यहाँ पे कोई कानूनी मामलों से आपको दूर रहना है, खासकर 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख 4 तारीख 7 तारीख 8 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 16 तारीख 17 तारीख 26 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख 6 तारीख 9 तारीख 10 तारीख 18 से 20 तारीख 23 से 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपका नवम भाव जो है वो मंगल का है तो आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए, ओम गणपते नमः का जाप करते रहना चाहिए। और आपको मंगलवार के दिन गणपति भगवान या फिर हनुमान मंदिर नियम पूर्वक जाना चाहिए। देखिए आपके नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपको शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और ओम शंख शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए और उसकी 7 बार शनिवार के दिन अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।